देख लो ड्रामे। गुड मॉर्निंग गाइस, लक्ष्य अभी उठा है, देखो कितने बजे हैं, 7:15 है ना। लक्ष्य कुछ कहना है आपको, चलो जल्दी जाओ वॉशरूम जाओ। तो कुछ नहीं कहना मुझे। क्या नहीं कहना, क्या नहीं है? डांस क्लास में नहीं तो कुछ भी नहीं। अच्छा डांस क्लास नहीं है तो कुछ भी नहीं कहना। अच्छा चलो जल्दी वॉशरूम होकर आओ। एज यूजुअली मेरे मॉर्निंग वाले काम हो गए हैं, और क्या कहते हैं, आज मैं बना रही हूँ। आज क्या बना रही है मम्मा लक्ष्य? डोसा नहीं, इडली। आज मैं बना रही हूँ इडली। ये चटनी के लिए मैं पीनट्स रोस्ट कर रही हूँ, इसकी चटनी बनाऊंगी मैं। और ये देखो मेरा बैटर, बैटर भी रेडी है। कई दिनों से लक्ष्य मुझे कह रहा था नहीं पिनाओ फुल बाजू की, अच्छा ठीक है नहीं पिनाऊंगी हाफ बाजू की, लेकिन हाफ बाजू रात में मच्छर खाते हैं ना, इसलिए मैं पिना देती हूँ आपको। हैं और ओह ठीक है, हाफ बाजू की पिना दूंगी। तो लक्ष्य अपना वॉशरूम सुबह इसके काम कर रहे हैं, मैं अपने काम कर रही हूँ। और तो इसको करके अब मैं चटनी बना देती हूँ इसकी। जब तक लक्ष्य आएगा उसको ब्रश वगैरह कराने से पहले मैं इसको थोड़ा छील के। अब रेडी हो गया हूँ मैं, अब अपने लक्ष्य तो अपना नहा धो के रेडी हो गया स्कूल के लिए, लेकिन अभी 9 बजे का टाइम है, तो अभी तो मैं मुझे ब्रेकफास्ट बनाना था, इडली बनानी थी, तो लक्ष्य को तो रेडी कर दिया। अब आराम से अपना बैठ के टीवी देखेगा, दूध पिएगा। देखो और... इसमें कैटो बनी हुई है, ये दोनों फाइटिंग करेंगे। मैं सुपर हीरो, ये कैटो है, ये कैटो है। हाँ तो फाइटिंग कौन करेगा? फाइटिंग हाँ, सुपर हीरो और कैटो, यस दोनों। चलो जल चढ़ा दो जल्दी से आके, आपको जल चढ़ा जल चढ़ाते हैं। दूध भी गर्म हो गया है, जल्दी से जल चढ़ा के दूध पी लो। होने दो गरम, गरम अच्छा होता है। अच्छा गले के लिए अच्छा होता है, गले के लिए अच्छा होता है। एक राउंड और तीन, एक राउंड और लेते हैं बेटा, तीन लेते हैं। हाँ चलो सूर्यदेव पे जल चढ़ा दो, बस इतना ही डाल दो प्लांट में लक्ष्य। नहीं बेटा उसमें पहले डला हुआ है ना, इसलिए सारी तमक्की डाले। ज्यादा थोड़ी होते हैं, 5 होते हैं ज्यादा, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 होते हैं ज्यादा तो। अच्छा 4 गन होते हैं। देखो चलो लक्ष्य का मॉर्निंग का तो काम रूटीन जो अपना उसका रूटीन है वो तो उसने अपना पूरा कर लिया। अब ये अपना दूध पिएगा और साथ में अपना टीवी देखता है, तब तक मैं इसकी इडली और चटनी रेडी कर दूं, है ना। लक्ष्य ने तो अपना दूध फिनिश भी कर लिया है देखो, और अपना टीवी बड़े ध्यान से देख रहा है इधर से उधर। आज एग्जाम है, ये नहीं कि एग्जाम के बारे में कुछ बात कर लें, लेकिन नहीं है ना लक्ष्य। नहीं किस चीज का एग्जाम है आज? काउंटिंग का, न्यूमरेसी स्किल्स का। तो आज इसका न्यूमरेसी स्किल्स का एग्जाम है, और ये देखो रेडी हो रही है इडली। इडली मैंने इसमें चढ़ा दी है, तो 12 से 15 मिनट में इडली रेडी हो जाती है। एक बार में 12 इडली बनती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चटनी भी रेडी हो गई है, देखो चटनी है,
ये मम्मी के लिए, इसमें मैंने तड़का वगैरह कुछ नहीं लगाया है, इसमें मैंने तड़का लगाया है ये चटनी। इडली बनती है, फिर लक्ष्य को इडली दो देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ इडली कैसी बनी है। बहुत सॉफ्ट इडली बनती है अगर ऐसे बनाओ तो जैसे, और अगर मैंने तो रवा इडली की, रवा इडली जो आता है इडली रवा, उसका बना, उसकी इडली बनाती हूँ मैं। अगर चावल की बनाओ तो चावल की थोड़ी सी सख्त होती है, बाकी वही है। रवा जो, रवा इडली की इडली तो थोड़ी सॉफ्ट होती है, ये फ़र्क तो रहता है। चावल की, चावल भिगो के इडली बनाओ तो उसमें थोड़ा सख्त बना रहता है, इसमें नहीं रहता, इडली रवा में वाली इडली में। तो यहाँ तो इडली रवा ही की इडली बाहर भी मिलती है और लोग घरों में भी इसी की बनाते हैं, तो हम भी ऐसी बनाते हैं जैसे यहाँ पे बनाते हैं, और मैंने तो यहीं आके इडली सीखी है। चलो देखते हैं उसका टेस्ट कैसा है। टेस्ट तो खैर मैं ही बता पाऊँगी, और लक्ष्य बता पाएगा या मम्मी बता पाएंगी, अदरवाइज़ आप तो बता नहीं पाओगे। तो अगर ऐसा टेस्ट चाहिए तो आप अपने घर में रेडी कीजिए और खाइए। हाँ यम्मी बनी है, देखो आज की इडली लक्ष्य इडली और चटनी खा रहा है, और स्कूल जाते टाइम मिलोगे। कैसी बनी है ये नहीं बताओगे आप? यम्मी बनी है। अच्छा मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ कितनी सॉफ्ट बनी है, देखो बहुत सॉफ्ट बनी है, लेकिन गरम है। गरम है तो गरम तो भी निकली है ना, इसलिए गरम होएगी। हाँ एक मिनट, ये देखो रवा इडली इतनी सॉफ्ट बनती है ना कि आप कितनी भी खा लो, मैं तो एक बार में बारह बारह खा जाती हूँ, कोई लिमिट नहीं है मेरी तो। चलो और फिर चटनी के साथ तो और भी, खैर मैं सांभर भी बनाती हूँ, लेकिन मम्मी ने कहा इस बार मैं चटनी से ही खाऊंगी तो सांभर मत बनाना, तो मैंने इसलिए सांभर नहीं बनाया इस बार, अदरवाइज हमारा सांभर इडली और चटनी ज़रूर बनती है। चलो आज का तो बता दिया मैंने कि आज मैंने क्या स्पेशल बनाया है। बेस्ट ऑफ लक लक्ष्य, एग्जाम अच्छे से देना, ओके क्या उसमें देख रहे हो? उसमें मैंने तीन, आपने जितनी बोली थी उतनी इडली रखी है। ओहो गाइस को दिखा रहे हो, ये देखो और इसमें चटनी रख दी है। खाली इडली खानी पड़ेगी तो लक्ष्य वो मत खोलो, उसमें चटनी है ना। इडली उसमें भी इडली रख दूं, आके खा लेना है। आके क्या खाओगे, इडली खाओगे क्या खाओगे? इडली खानी है आज, इतनी टेस्टी बनी है। चलो अपने हैंकी लो। भारी है, एक दादी को दे दे। चलो बाय। नो बाय नहीं करेगा, और एग्जाम अच्छे से देना ओके। ये देखा है, ये देखा है, अगर एग्जाम अच्छे से नहीं हुआ ना तो थप्पड़ मारूंगी। हाँ रबड़ पेंसिल रख ली है ना लक्ष्य? ये देखो रबड़ पेंसिल यहीं छोड़ के जा रहे हो, मैडम के पास तो है ही, लेकिन अपनी भी लेके जाओ एग्जाम है तो। चलो लक्ष्य तो गया और टाइम हो गया, ये भी इडली निकाली जाए, और मम्मी को भी बहुत पसंद आई है, वो वैसे भी बाहर की खाती नहीं है, तो उनको या तो वहीं की कोटी की इडली पसंद है या फिर मैं जो बनाती हूँ वो पसंद है उनको, तो वो भी अपना एक ब्रेकफास्ट में अपनी इडली खा गई हैं। बाद में उनको क्या खाना है वो बता देंगे, वही बनाया जाएगा, नहीं तो इडली रखी हुई है इडली खाएंगे। लक्ष्य तो अपना बोल कर गया है कि मुझे मेरे लंच बॉक्स में भी इडली रखो, और क्या कहते हैं मेरे उसमें भी रखो आप इडली,
मुझे ब्रेकफास्ट में भी इडली दो और क्या कहते हैं इसमें आके भी मैं इडली ही खाऊंगा। तो उसको तो इडली इतनी पसंद आती है। और यहाँ लड्डू गोपाल को भी मैंने इडली का भोग लगाया, माखन मिश्री का भी लगा दिया था, उसके बाद मैंने इडली और इडली का भी, क्योंकि मैंने इसमें लहसुन वगैरह चटनी में तो कुछ डाला नहीं है। आप तो इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए आप इसमें नारियल डाल सकते हो, कोकोनट डाल सकते हो, आप इसमें क्या कहते हैं लहसुन की 3 या 4 वो डाल सकते हो, कलियां डाल सकते हो इसमें, तो उसके टेस्ट में उसका फिर और टेस्ट जो है वो इन्हेंस हो जाता है। तो आप उसको अगर टेस्ट को इन्हेंस करना चाहते हो चटनी को, तो कि मैं तो सिंपल ही बनाती हूँ, आपको पता है क्योंकि मम्मी को सिंपल बिल्कुल पसंद है, तो इसलिए मैं इसमें कुछ भी नहीं डालती हूँ। मैंने तो इसमें सिर्फ चने और वो उनको नारियल की चटनी पसंद नहीं है, तो मैं नारियल की चटनी अलग से बना लेती हूँ। आज उतना टाइम नहीं था तो मैं, और फिर ये भी नहीं है घर पर, इसलिए मैंने मूंगफली और वो जो चना दाल और धनिया यही 2 चीज़ें 3 चीज़ें डालकर नमक डालकर इसमें, और फिर मैंने अपनी वाली चटनी में तो मैंने तड़का लगाया था, मम्मी वाली चटनी को देखो मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है। उनको ऐसी चटनी पसंद है, उनको ये ज़्यादा पसंद नहीं है तो फिर फ़ायदा नहीं है, फिर वो खाएंगे मन मार के तो उससे अच्छा भी नहीं लगता है। उनको जैसा पसंद है वैसे ही दे दूँ, हमें जैसा पसंद है वैसे खा लेते हैं। चलो फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। ये रही मेरी प्लेट और इतनी इडली तो मैं नॉर्मली खा ही जाऊंगी क्योंकि साइज में भी छोटी है और फिर घर का टेस्ट है तो यम्मी तो वैसे ही बनती है। तो अब मेरी खाने की बारी है। और तो अभी हुआ है टाइम 12:20 हो गए हैं और मेरे भी काम हो गए हैं कंप्लीट। लक्ष्य भी आने वाला है, उसकी दादी लेने के लिए गई है। उसके आने से पहले आपको पता ही है फ्री होना ही होता है, नहीं तो फिर वो आके फिर धमाल मचाता है और कुछ नहीं, उसको संभालो या काम देखो। तो इतना तो ऐश यूजली इतना टाइम लग ही जाता है सुबह से काम करते करते। हाँ मैं आपको बता रही थी ना, सैटरडे को हम गए थे बाहर, गए तो किसी और काम से थे, लेकिन ये देखो उससे पहले मैं दिखा दूँ, ये देखो शाम को मैं कौन सी दाल बनाऊंगी। ये दाल भिगो के रखी है, इसमें राजमा भी है, साबित दालें हैं ये सारी, इसमें साबित दालें एक तो आपकी मूंग है हरी वाली और मसूर है छिलके वाली, सारी 4-5 दालें हैं ये, सारी मिक्स दालें हैं। शाम को यही बनाऊंगी आज मैं। और ये देखो इडली के बर्तन धो धा के रखे थे और ये अब बाहर लेके चलते हैं, अभी मैंने बाहर ही रखा हुआ इसको, ये प्लांटर लेकर आई थी मैं उस दिन ये वाला। और ये लक्ष्य उस दिन जो बॉल लेकर आया था, मैंने दिखाया था आपको, 2-2 बॉलें लेके घूम रहा था, बट ये वाला कलर उसने लिया था, हमने कहा उसे रेड ले लो, आप रेड ले लो, नहीं रेड नहीं लूंगा मैं, ये लूंगा। तो ये प्लांटर लेकर आई थी मैं उस दिन, एक ये प्लांटर जो है, अब इसमें कौन सा प्लांट लगाऊंगी ये देखना पड़ेगा, देखते हैं कैसा लगा मेरा प्लांटर। ये अंदर रखने के लिए लेकर आई हूँ मैं, जहाँ मेरे और प्लांट्स रखे हुए हैं वहीं पे रखना है इसको, अभी तो मैं एक ही लेकर आई हूँ, ऐसे मुझे दो या तीन और लेकर आऊँगी, उसके बाद नहीं लेकर आऊँगी बहुत, क्योंकि इतनी जगह भी नहीं है ना। यहाँ पे हमने यहाँ वॉशिंग मशीन लगा दी है, अदरवाइज ये गैलरी को बना देते हैं। वैसे तो 2 वॉशरूम है, लेकिन एक वॉशरूम मम्मी यूज़ करते हैं, एक हम यूज़ करते हैं, इसलिए वहाँ पे हमने ये वॉशिंग मशीन नहीं रखी है। तो ये हमने वैसे इसको जो बनाया था ना, ये हमने प्लांटर्स के लिए बनाया हुआ था, लेकिन इस पे यूं रहता ना ज़्यादा वेट रख दें कहीं बेचारी ये चली ना जाए नीचे, नीचे भी नुकसान हो जाएगा, इसलिए इस पे भी डरते डरते रखते हैं। एनीवे देखते हैं जितने प्लांटर्स रख सकती हूँ उतने तो मैं रखूँगी, इसको भी मैं बस यहीं पर रखूँगी, यहाँ पे जो मेरे ये प्लांट्स रखे हुए हैं ना इसी में, इसको या तो इस पे रखूँगी इसके साथ ताकि अच्छा लगे, देखते हैं उसमें कौन सा, या यहाँ पे, या मैं अपने किचन के टॉप पर भी रख सकती हूँ उसको, आगे देखते रहना मैं कहाँ रखती हूँ उसको, कहाँ प्लांट करती हूँ उसको और कौन सा प्लांट उसमें लगाती हूँ। ओ
लो तो रेडी हो गया अच्छा हो गया। अच्छा हुआ क्या क्या आया था? आया था मैचिंग गाय की जैसे वन है तो वन 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 रैबिट को करना है अच्छा। मैच और टू फिश तो टू को करना है मैच। ओ और काउंटिंग कितनी आई थी? 50 तक काउंटिंग आई थी वो तो कर ली होगी। और तो और वन आया था वो कहाँ तक आया था? वो तो आया था सिक्स से स्टार्ट हुआ था। अच्छा ये तो कर लिया होगा ये तो आता है लक्ष्य को इसमें तो नो डाउट। और आया था मिसिंग नंबर्स आए थे? कौन से मिसिंग नंबर्स? What come after? What come before? What's come? Why missing numbers? One फिर dash dash one के बाद क्या आएगा ये सब कुछ? ये आया था? जैसे flower का फूल अच्छा। बनाना। Okay। Flower की leaf बनाने आगे एक डंडी खींची। ऊपर swing करा। अरे वाह very good। Good boy। चलो। इससे पता चलता है कि लक्ष्य का एग्जाम अच्छा हुआ। आज तो लक्ष्य के डैडी भी आ रहे हैं हमने मैसेज नहीं दिया। आज तो लक्ष्य 2 दिन के बाद मिलेगा अपने डैडी से है ना। संडे को गए थे डैडी शाम को तो गए थे कल नहीं मिले बस आज शाम को आई जाएंगे डैडी। चलो हम अब शाम को मिलते हैं। अब आपसे मम्मा सो के उठ के जब मिलते हैं मैं नहीं सोऊंगा लेकिन फोन देखूंगा मम्मा केक खाऊंगा केक अच्छा केक खाते तब मिलता हूँ आपसे। चलो बाय। हवा कम थी लक्ष्य की साइकिल में हवा कम थी तो आज लक्ष्य अपनी साइकिल में हवा भरवाने भी आया है। वैसे आ जा लक्ष्य क्या कर रही है गेट खोल रहा है ये देखो ये है नया काम जो उस दिन बता रही थी मैं ये हुआ है नया काम। ये 2 मैंने प्लांट लगवाए थे अंदर अब इनको बाहर ही लगा दिया शिफ्ट कर दिया। देखो मैंगो की कितने अच्छे हो रहे हैं अब ये बस लग जाएं तो और अच्छी बात है ना लक्ष्य। लक्ष्य अपना गेट खोलने में लगा हुआ है ऐसे बंद होता है ये अच्छा हो गया ना अब वो सेफ्टी प्रोटेक्शन रहेगी कोई कुत्ता वगैरह कुछ घुसेगा नहीं तो पहले इतने सारे प्लांट्स लगा रखे थे सारे प्लांट्स खराब कर दिए वो गर्मियों में इसमें घुस के बैठ जाते थे और फिर खोद कर उसको प्लांट्स खराब कर देते थे मिट्टी नीचे गिरा देते थे अब ठीक हो गया ये। चलो देखते हैं हमारे ये प्लांट्स कैसे होते हैं ये भी ग्रोथ करेंगे लक्ष्य की तरह से जैसे लक्ष्य ग्रोथ करेगा। ये लक्ष्य के लास्ट ईयर मैंने लगाए थे लास्ट ईयर हम गए थे ना वहाँ पे तो लास्ट ईयर मैंने ये लगाए थे 2 प्लांट एक ये हो गया इनके बीज लगाया था मैंने आम का और एक ये कितने कितने सुंदर है ये वाला क्यों फेंका आपने गंदी बच्ची है ये तो गंदी बच्ची। एक ये वाला लगाया और एक ये भी देखते हैं समय के साथ कैसा ग्रोथ होता है कैसा अभी तक तो अच्छा था अंदर तो अच्छा चल रहा था बाहर देखते हैं आज इसको बाहर से अंदर से बाहर शिफ्ट किया है क्योंकि अंदर ना वो फ्लावर्स के प्लांट लगे हुए थे तो उसकी वजह से ये ढक रहा था इसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी पूरी तो अब इसको आप देखते हैं इसकी कैसी ग्रोथ होती है कैसा होता है। चलो मिलते हैं आपसे आगे और ये लक्ष्य को तो अपना खेलने वाला एक गेम मिल गया दोनों गेट खोल कर बस लग जाता है ये देखो देखो ये है ऐसा लगाओगे ना फिर चलो लक्ष्य देखो किस पे चल रहा है इस पे और हाँ आने दे
कल तो गिर गया था तो रोके गया फिर ऊपर, आज देखते हैं क्या करता है। फिनिश कर दिया। कहाँ तक फिनिश करना है इसको? कहाँ तक करना है फिनिश? आगे वो है रोज का प्लांट है, उसमें कांटे हैं, फिर देख लेना। उतर जाओगे ना? उतर जाओगे क्यों? डंडे का तो इधर करो। ए ए हिला क्यों रहे उसको? इधर से लगता है ऐसे ऐसे चलना पड़ेगा क्योंकि इधर से। कल यहीं पे कल गिरे थे तुम? लगता है उतर के चलना पड़ेगा वहां तक। चलो ये लक्ष्य के लिए एक एडवेंचर हो गया है ना। ये डोली क्रॉस करनी है, एडवेंचर हो गई है। हाँ उसमें कांटे हैं। हाँ क्यों नीचे जब? क्योंकि आगे भी इसी में है लक्ष्य, आगे भी कांटे ही हैं। बस आगे थोड़ा हो जाओ। नहीं इधर नहीं है। ओ चुबा 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 चुबा, इसी में तो है। फिर मना कर रही थी ना लक्ष्य। चलो लक्ष्य का ये एडवेंचर तो कंप्लीट हुआ नहीं। कितनी बार नीचे उतरा है, कितनी बार ऊपर दोबारा से ट्राई कर रहा है। चलो ठीक है ठीक है, दोबारा से ट्राई कर लेना, कल ट्राई करना। ऐसा इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, आराम से कर सकते हो खेलते खेलते। ओके कोई बात नहीं। चलो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक क्या